अधिक मास 2023। अधिक मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इसे पुरुषोत्तम मास या मलमास भी कहते हैं। मानता है कि अधिक मास में सभी देवी देवता देवलोक से आकर पृथ्वी लोक पर वास करते हैं। वहीं इस साल अधिक मास सावन महीने में लगा है, जिससे इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। बता दें कि अधिक मास की शुरुआत मंगलवार 18 जुलाई 2023 से हो रही है और इसका समापन बुधवार 16 अगस्त 2023 को होगा। अधिक मास में भले ही शुभ मंगलिक कार्यों को वर्जित माना गया है, लेकिन इस दौरान पूजा पाठ, जप तप और दान का खास महत्व होता है। मल मास या अधिक मास में किए जाने वाले पूजा पाठ और दान का 10 गुना अधिक फल मिलता है। उससे भी अधिक मास में दीपदान करना और भी अधिक फलदायी माना गया है। ज्योतिष के अनुसार अधिक मास में अगर आप अपनी राशि के अनुसार दान करेंगे तो इससे ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिलेगी। जानते हैं राशि के अनुसार अधिक मास में किन चीज़ों का करें दान। कैसे करें दीपदान? दीपदान का मतलब होता है कि किसी योग स्थान पर श्रद्धा और नियम पूर्वक दीपक को जलाना। इसके तहत वह योग स्थान कुछ भी हो सकता है, जैसे नदी का किनारा, पीपल के पेड़ के नीचे या किसी मंदिर में भगवान के आगे। कहीं भी पूरी श्रद्धा के साथ दीपक जला सकते हैं। अधिक मास में दीपदान करने का महत्व। हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में अधिक मास में दीपदान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि पूरे अधिक मास के दौरान दीपदान करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उसमें भी अधिक मास की अमावस्या व पूर्णिमा को किए जाने वाले दीपदान को और भी अधिक फलदायी माना जाता है। जैसे कि अधिक मास चल रहा है जो कि 16 अगस्त तक रहेगा, इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस महीने में जरूरतमंद लोगों को धन और अनाज का दान करने की परंपरा है। अधिक मास में किए गए दान का पुण्य हमारे परिवार को मिलता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के मुताबिक अधिक मास में दान देने की परंपरा है। इस महीने में किए गए दान का 10 गुना फल मिलता है। पुरुषोत्तम महीने के देवता भगवान विष्णु हैं, इसलिए इस महीने में उनकी कृपा पाने के लिए पूजा में निवेद्य के रूप में पुआ बनाकर चढ़ाना चाहिए, फिर इसका प्रसाद दान देना चाहिए। पुराणों का कहना है कि पुरुषोत्तम मास में हर दिन 33 चीज़ें दान करके भगवान विष्णु के 33 नाम बोलने चाहिए। इससे लक्ष्मी, पुत्र, पौत्र, सुख और समृद्धि बढ़ती है। इस पवित्र महीने में व्रत, उपवास, पूजा और दान जैसे शुभ काम करने से परिवार सहित सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है। अधिक मास में दीपदान, मालपुआ और पान का दान करने का विधान ग्रंथों में बताया गया है। दीपदान, अधिक मास में दीपदान से व्रत और तीर्थ यात्रा का पुण्य मिल जाता है और दीपदान से दरिद्रता भी दूर होती है। इस दान से सभी तीर्थों का पुण्य मिल जाता है। इस पवित्र महीने में किसी भी मंदिर, गौशाला, नदी, तालाब या घर के बाहर घी और तिल के तेल के दीपक लगाने से समृद्धि मिलती है। मालपुआ दान, पुरुषोत्तम मास में मालपुआ दान करने का भी विशेष महत्व है। इस महीने में हर दिन गुड़, घी से बने 33 मालपुआ कांसे के बर्तन में रखकर बर्तन सहित जरूरतमंद लोगों को दान करें। मानता है कि ऐसा करने से पृथ्वी दान जितना पुण्य मिलता है। हर दिन ना कर सके तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, नवमी और अष्टमी को करें। ये भी ना कर सके तो किसी भी एक दिन कर सकते हैं। तंबुल दान, पुरुषोत्तम मास में पान दान करने का भी महत्व बताया है। अधिक मास में पान का दान करने से सौभाग्य बढ़ता है। इलायची, लौंग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इनमें से जो भी चीज़ें मिल जाएं सबको मिलाकर भगवान के लिए ब्राह्मण को देने से ऐश्वर्य और सुख भोग कर मुक्ति मिलती है। राशि के अनुसार अधिक मास में किन चीज़ों का करें दान। मेष राशि, मालपुआ, घी, चांदी, लाल वस्त्र, केला, अनार, तांबा, मूंग और गेहूं का दान मेष राशि वाले कर सकते हैं।
वृषभ राशि, अधिक मास पर सफ़ेद वस्त्र, चांदी, सोना, मालपुआ, मावा, शक्कर, चावल, केला, मोती आदि दान करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए अधिक मास के पहले दिन पन्ना, मूंग दाल, तेल, कांसा, केला, सिंदूर और साड़ी का दान करना शुभ रहेगा। कर्क राशि, अधिक मास पर कर्क राशि वाले लोग मोती, चांदी, मटका, तेल, सफ़ेद वस्त्र, गाय, मालपुआ, मावा, दूध, चावल आदि दान में कर सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं। अधिक मास पर लाल वस्त्र, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, गेहूँ, मसूर दाल, मणिकर्ण, रत्न, धार्मिक पुस्तकें और अनार का दान देना बहुत शुभ रहेगा। कन्या राशि, अधिक मास में भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कन्या राशि वाले लोग हरी मूंग दाल, सोना, केले का दान करें। इसके साथ ही आप गौशाला में घास का दान करें या गाय को हरी घास खिलाएं। तुला राशि, अधिक मास के पहले दिन तुला राशि वाले लोग सफ़ेद वस्त्र, मालपुआ, मावा, चीनी या मिश्री, चावल और केले का दान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, 18 जुलाई को अधिक मास के पहले दिन वृश्चिक राशि वाले लोगों को लाल वस्त्र, मौसमी फल, अनार, तांबा, मूंग और गेहूं का दान करना उत्तम रहेगा। धनुराशि, धनुराशि वाले लोगों को अधिक मास के पहले दिन पीले कपड़े, चने की दाल, लकड़ी का सामान, घी, तिल, अनाज और दूध आदि का दान करना चाहिए। मकर और कुंभ राशि, मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं। ऐसे में आप इस दिन तेल, दवाइयाँ, नीले कपड़े, औजार, लोहा, मौसमी फल का आदि का दान कर सकते हैं। मीन राशि, अधिक मास के पहले दिन मीन राशि वाले लोग पीले वस्त्र, चने की दाल, घी, दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ दान कर सकते हैं। दान देते समय इन बातों का रखें ध्यान। हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व होता है, लेकिन इसके साथ ही दान देने के लिए कुछ जरूरी नियम भी होते हैं, जिसका पालन करने पर ही इसका फल प्राप्त होता है। सबसे जरूरी चीज़ दान हमेशा अपने सामर्थ्य अनुसार ही करना चाहिए। दिखावे के लिए कभी भी दान ना करें, दान हमेशा गुप्त तरीके से करें। कहा जाता है कि दान ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ से दें और दूसरे हाथ को पता भी ना चले। ऊपर बताई गई चीज़ों का दान सूर्य अस्त से पहले ही कर दें। सूर्य अस्त के बाद किए गए दान का लाभ नहीं होता है। यज्ञ, विवाह, संक्रांति और ग्रहण के दौरान ही केवल सूर्य अस्त के बाद दान किया जाता है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।